नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अयोध्या प्रयागराज से कुशीनगर जा रहे विद्यार्थियों से भरी बस अयोध्या में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण बस ड्राइवर के नींद में होना बताया जा रहा है। दुर्घटना अयोध्या इलाहाबाद हाईवे पर अयोध्या की बीकापुर क्षेत्र स्थित बिलारी के पास हुई, जिसमें ड्राइवर समेत कुल 12 लोग घायल हुए हैं। घटना बुधवार की है, करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और SSP आशीष तिवारी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं जिला अधिकारी अनुज झा ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लोग गंभीर हालत में नहीं है, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज किया जा रहा है। ड्राइवर के घुटने में चोट आई है। यह बस प्रयागराज के विद्यार्थियों को लेकर कुशीनगर जा रही थी। 15 विद्यार्थियों को सामान्य चोट आई थी, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बस से रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना बस ड्राइवर के नींद में होने की वजह से हुई। सामने से जा रहे ट्रक में बस अनियंत्रित होकर टकराई थी। गनीमत यह रही कि आमने सामने की टक्कर नहीं हुई। बस ट्रक के पीछे के भाग में दुर्घटना में ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, बाकी सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी शोनकर की रिपोर्ट। नहीं, ड्राइवर को शायद नींद आ गई थी, वो पता नहीं सो गया, हम लोग भी सो गए थे। अचानक घटना कब लगी है? करीब 4:15 के। ज़्यादा छोटे किसको आई ज़्यादा? अभी वो 3 लड़की, 2 लड़कियाँ और 1 लड़की। किस विद्यालय से आप लोग थे, कहाँ गए थे? हम लोग वहाँ तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन करते हैं सिविल की, वनडे एग्ज़ाम के हैं और भी अदर एग्ज़ाम के। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।